पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत अब हम पॉलीविनाइल क्लोराइड के गुणों के बारे में और उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। इसके एकलक के बारे में हमने पहले ही देखा था कि विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। ये जो विनाइल क्लोराइड है, ये जब बहुलीकृत होता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में ये बहुलीकृत होते हैं और पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। यहाँ पर जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, और जब ये बहुलीकृत होता है तो बॉन्ड फिर CH2 CHCl और उधर से एक बॉन्ड लगा के होल एन कर देते हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर बहुत सारे जो विनाइल क्लोराइड के अणु होते हैं वो आपस में बहुलीकृत होते हैं और पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये थर्मोप्लास्टिक नेचर का होता है और इसकी प्लास्टिकता को बढ़ाने के लिए इसमें थैलिक अम्ल का एस्टर, या इसे हम प्लास्टिसाइजर कहते हैं, इसको मिला दिया जाता है। और ये विद्युत इंसुलेटर की तरह भी कार्य करता है। इसके गुण में ये भी है कि ये कई सारे केमिकल्स के प्रति अवरोधी होते हैं, मतलब ये केमिकल्स के प्रति बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। इसके जो उपयोग हैं, इनके गुणों के आधार पर ही हैं, जैसे शीट बनाने में, पाइप बनाने में, वाटर हौजों में, बैग बनाने में, टेबल क्लॉथ में, और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स में, और फर्श की कवरिंग करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही वायर की जो कवरिंग होती है उसमें भी पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की तरह ही एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुलक है, जिसे सरन नाम से जाना जाता है। ये जो सरन है, ये इसका व्यापारिक नाम है। वास्तव में ये जो सरन है, विनाइलिडीन डाइक्लोराइड का बहुलक होता है। विनाइलिडीन डाइक्लोराइड का जो फॉर्मूला है, CH2 डबल बॉन्ड CCl2 है। इसके भी एन अणु ले रहे हैं और ये बहुत सारे एन अणु मिलकर विनाइलिडीन क्लोराइड के आपस में बहुलीकृत होते हैं और बनता है यहाँ पर सरन, या इसे हम पॉलीविनाइलिडीन डाइक्लोराइड के फॉर्म में भी कह सकते हैं। इसका जो IUPAC नाम है वो है 1,1 डाइक्लोरोएथीन। तो चूँकि ये एक बहुत अच्छा बहुलक होता है जो PVC के समान गुण रखता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल में किया जाता है, छत की शीट्स बनाने में किया जाता है। इसी पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत एक और बहुलक होता है बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसे हम PCTFE कहते हैं। इसका जो पूरा नाम है, पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोएथिलीन होता है। तो जैसा हमने टेफ्लॉन में देखा था टेट्राफ्लोरोएथिलीन, यहाँ पर है ट्राईफ्लोरोएथिलीन, लेकिन एक फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, CF2 डबल बॉन्ड CF2 ना करके C डबल बॉन्ड C और ऊपर Cl, नीचे F, इधर भी F और इधर भी F। तो इसके कई सारे अणु आपस में मिलते हैं और बन जाता है पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोएथिलीन। तो ये जो बहुलक होता है, इसका नेचर भी टेफ्लॉन के समान ही होता है, लेकिन चूँकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, एक जो परमाणु है वो फ्लोरीन का ना होकर क्लोरीन का है, इस वजह से ये टेफ्लॉन की तुलना में थोड़े ताप और केमिकल्स के प्रति कम अवरोधी होते हैं। टेफ्लॉन के समान ही बहुत सारे जगह पर जो विद्युत इंसुलेशन वाले जो उपकरण होते हैं, गैस्केट्स हैं, पंप है, वॉल्व मिल है, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। नॉन लुब्रिकेटिंग जो बियरिंग है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिल्टर क्लॉथ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पॉलीमेथाइल मेथिल एक्राइलेट, इसको हम शॉर्ट में PMMA कहते हैं। ये जब निर्माण होता है तो मेथिल एक्राइलेट के पॉलीमराइजेशन से पॉलीमेथाइल मेथिल एक्राइलेट का निर्माण होता है। यहाँ पर भी जो मेथिल एक्राइलेट है उसका बनना, या पॉलीमेथाइल मेथिल एक्राइलेट का जो बनना है, वो कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में ही होता है। कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में ही जो मेथिल एक्राइलेट है वो आपस में पॉलीमराइज होता है और पॉलीमेथाइल मेथेक्राइलेट बनता है। इसे हम लेक्सिलास या एक्रिलाइट के नाम से भी जानते हैं और इसका जो व्यापारिक नाम है वो लूसाइड भी है।
इसको जब बनाया जाता है तो इसका जो सूत्र है मेथिल मेथेक्राइलेट का CH2 डबल बॉन्ड CCH3 COOCH3, जब ये आपस में पॉलीमराइज हो रहा है तो यहाँ पर हम जब बॉन्डिंग देखेंगे तो ये जो C है बीच में, इस C से अगला वाला जो मॉलिक्यूल है मेथिल मेथेक्राइलेट का वो कंबाइन होता है। इसलिए जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो ब्रैकेट लगाकर CH2 और फिर C और ऊपर COOCH3 और फिर नीचे CH3, और ये जो केंद्र में C है यहाँ से हम एक बॉन्ड लगा देते हैं और ये कई सारे अणु आपस में पॉलीमराइज हो रहे हैं तो यहाँ पर होल एंड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पॉली मिथाइल मेथेक्राइलेट का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर जब हम सूत्र को बनाते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि COOCH3 तो आगे कंबाइन नहीं होगा क्योंकि वो तो कंप्लीट है, हमें कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए लॉन्ग चेन को बढ़ाना है, इसलिए जो केंद्र में कार्बन है उसको अगले वाले अणु से जोड़ते जाना है। इस वजह से C से जोड़ते हुए हम मेथिल मेथेक्राइलेट के कई सारे अणु को जोड़ते जाएंगे और PMMA का फॉर्मेशन होता है। ये जो बहुलक होता है ये कठोर होता है, पारदर्शक बहुलक होता है, और इसे व्यापारिक रूप से जो नाम दिया जाता है वो है प्लेक्सी ग्लास, और इस नाम से ही ये मार्केट में प्रचलित है और इसका कई सारा प्रयोग भी है, जैसे कि लेंस बनाने में, लाइट शेड्स बनाने में, एयरक्राफ्ट की जो खिड़कियां होती है उसको बनाने में, और कई सारे प्लास्टिक के आभूषण होते हैं उनको बनाने में भी PMMA का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एक अगला बहुलक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम PAN पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या ऑर्लॉन भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे PAN के नाम से भी जाना जाता है। इसे बनाने के लिए एक्राइलोनाइट्राइल लिया जाता है। तो एक्राइलोनाइट्राइल यहाँ पर फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CHCN, जैसा पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते समय हमने विनाइल क्लोराइड लिया था तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl किए थे, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CHCN है। और इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है और ये भी लगातार कंबाइन होता जाएगा तो CH2 CHCN और होल एन करके PAN पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को ऑर्लॉन, कैशमिलॉन या एक्रिलॉन इन सब नामों से जाना जाता है। ये भी जल अवरोधी होते हैं और इससे इस प्रकार के फाइबर बनाए जाते हैं जो जल्दी सूखने वाले होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसे कई बार ऊन के विकल्प के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और इसके तंतुओं को बुन करके ऐसे फाइबर बनाए जाते हैं जो कि जल अवरोधी होते हैं या जल्दी सूखने वाले फाइबर उससे तैयार कर सकते हैं। तो इसी गुण के आधार पर इसके जो उपयोग होंगे वो कपड़े बनाने में, साथ ही गलीचे बनाने में, कंबल बनाने में, इन सब में ऑर्लॉन का प्रयोग किया जाता है। हमने पहले ही संघनन बहुलक के बारे में जाना है। यहाँ पर हम पॉलिएस्टर जो संघनन बहुलक है उसके अंतर्गत जो भी बहुलक है उसके गुण और उपयोग के बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। इसमें हमने नायलॉन 6,6 या टेरिलीन इसके बारे में जानना है। तो पॉलिएस्टर जो बहुलक होते हैं, पॉलिएस्टर प्रकार के, इसमें देखा गया है कि एस्टर बंधन पाया जाता है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जब कभी भी अल्कोहल अम्ल से क्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है। तो अल्कोहल यानी NROH, कई सारे अल्कोहल के अणु, वैसे ही अम्ल NRCOOH, तो इनके कॉम्बिनेशन से RCOOR यानी एस्टर का निर्माण होता है। तो यदि हम अल्कोहल के अणु लेते हैं और यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु लेते हैं तो जो बनने वाला एस्टर है उसके भी अणु का निर्माण होता है और बहुत सारे जल के अणु भी यहाँ पर निकलते हैं। इसी श्रेणी में हम पहला उदाहरण देखेंगे टेरिलीन का, जिसे डेक्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। टेरिलीन या डेक्रॉन जो है इसके जो एकलक हैं वो पहला है एथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा है पैरा टेरेफ्थेलिक अम्ल। तो जैसा हमने थैलिक अम्ल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि बेंजीन रिंग में यदि ऑर्थो पोजीशन पर COOH COOH ग्रुप है तो उसे हम थैलिक एसिड कहते हैं, लेकिन यदि हम पैरा टेरेप्थेलिक अम्ल कहते हैं तो बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर COOH और COOH होता है। और इसी प्रकार जब हम इसे बनाते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल से तो CH2OH CH2OH प्लस
यहाँ पर एन अणु है पैराटेरेप्थेलिक अम्ल का, एच ओ ओ सी बेंजीन रिंग, फिर सी ओ ओ एच। तो यहाँ संघनन बहुलक है, इसका अर्थ है कि इसमें से एच इसमें से ओ एच मिलकर के जल का अणु बन जाता है और बहुत सारे जल के अणु यहाँ पर निकलते जाते हैं तो संघनन बहुलक का निर्माण होता है। तो हमने पहले ही देखा था कि जब भी हम बहुलक अणु का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर रटना नहीं है, बहुलक के अणु के निर्माण के समय संरचना को हमें रटना नहीं है, केवल हमें एकलक अणुओं की संरचना को समझना है और उस आधार पर इसे जोड़ते जाना है कि जल के अणु कैसे निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो O, फिर CH2, फिर COO है बेंजीन रिंग है और उसके बाद फिर से CO है, तो COOH का जो OH है वो अगले वाले एथिलीन ग्लाइकॉल के H से कंबाइन होता है और H2O बना लेता है। तो इस प्रकार से हमने टेरेप्थेलिक अम्ल के लास्ट में CO रखा और OH को हम जल के अणु के रूप में निकला हुआ मान लेते हैं और इसका होल एन कर दिए, तो इस तरह से बनता है टेरिलीन या डेक्रॉन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टेरिलीन या डेक्रॉन बनता है ये वास्तव में कैल्शियम एसीटेट के प्रेजेंस में बना और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 427 केल्विन से 475 केल्विन के मध्य नियंत्रित रखा जाता है। बहुलक का जो मुख्य गुण है वो ये है कि इसमें बहुत अधिक टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है, इसकी तनन सामर्थ्य बहुत अधिक होती है और इसमें नमी अवशोषण की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है। इससे बने हुए जो कपड़े हैं वो शीघ्रता से सूख जाते हैं और बहुत सारे केमिकल और कई सारे जो बायोलॉजिकल पदार्थ होते हैं उससे ही अप्रभावित होता है और इसके द्वारा जो तंतु बनाते हैं उससे बने हुए जो कपड़े होते हैं उसमें क्रीज बनी रहती है, अर्थात ये क्रीज बिगड़ता नहीं है। टेरिलीन के जो कपड़े होते हैं या टेरिलीन से बने हुए जो तंतु होते हैं वो बहुत अधिक लचीले होते हैं और मजबूत होते हैं और इन्हीं सब गुणों के कारण इसका प्रयोग बहुत सारे जगह पर कपड़ों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि ऐसे कपड़े बनाने में जो जल्दी से सूख जाए या जिसमें नमी अवशोषण की क्षमता कम हो तो वहाँ पर इस तरह के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग, ये जो टेरिलीन है इसका उपयोग सूती और ऊनी जो वस्त्र हैं उनके साथ मिलाकर जब किया जाता है तो उनके जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और उसका जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो थोड़ा सा कम लगता है। यदि इसे हम टेरिलीन को कॉटन के साथ मिला दें, टेरिलीन को यदि हम ऊनी कपड़ों के साथ मिला दें तो इसके जो ऊनी कपड़े या सूती कपड़ों का जो मजबूती है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो डेक्रॉन और टेफ्लॉन से बना हुआ जो ट्यूब होता है वो मनुष्य की रक्त वाहिकाओं के रूप में एक अच्छा विकल्प होता है, इसी वजह से इसका प्रयोग जब हार्ट में बाईपास सर्जरी की जाती है तो इस तरह के वाहिकाओं का प्रयोग किया जाता है। टेरिलीन का जो उपयोग है वो पर्ल पेट के नाम से मोल्डेड वस्तुओं में और बोतल या जार के निर्माण में भी किया जाता है। ये जो वस्तुएं होती है यानी जो पर्ल पेट के नाम से मार्केट में वितरित है, ये जो वस्तुएं होती है वो पारदर्शक होती है और बहुत हल्की होने के कारण ये आसानी से टूटती फूटती भी नहीं है और इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं इसका उपयोग पैराशूट के जो कपड़े हैं उनको बनाने में किया जाता है, इंसुलेटर टेप बनाने में किया जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट को बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एक अगला बहुलक जिसे हम ग्लिप्टल नाम से जानते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का बहुलक होता है, इसे हम क्रॉस लिंक्ड बहुलक या क्रॉस लिंक पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में भी जानते हैं। ग्लिप्टल जो बहुलक है उसके दो एकलक हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक अम्ल। जैसा हमने डेक्रॉन में पढ़ा था सेम वैसा ही है, लेकिन डेक्रॉन में हमने पैरा टेरेप्थेलिक एसिड देखा था, यहाँ पर हम देखते हैं थैलिक एसिड। दो एकलक है यहाँ पर, एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक अम्ल, इसके संघनन से बनता है ग्लिप्टल। तो इसे बनाने के लिए देखिए एन ओ एच सी एच टू सी एच टू ओ एच प्लस थैलिक एसिड का फॉर्मूला रखेंगे जहाँ पर सी ओ एच को हम ऑर्थो पोजीशन पर रखते हैं, यानी लगातार जो कार्बन है बेंजीन रिंग के साथ जो एडजेसेंट कार्बन है वहीं पर सी ओ एच प्रेजेंट है। अब जब इस चेन को हम लंबा करते हैं तो जो एथिलीन ग्लाइकॉल है उसका एच और जो सी ओ एच है थैलिक एसिड का उसमें से ओ एच ये अटैच होता है और इस प्रकार से एक लॉन्ग चेन बनता जाता है। तो यहाँ पर भी हम जो बहुलक है उसके फॉर्मूला को रटेंगे नहीं, केवल उसके
चेन को बढ़ाते जाएंगे, इधर एक बॉन्ड और इधर एक बॉन्ड करके हम लॉन्ग चेन बना देंगे और जैसा एकलक का स्ट्रक्चर है वैसा ही उतार देंगे तो हमें बहुलक प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ओ सी एच टू सी एच टू ओ, बेंजीन रिंग है सी ओ, फिर बेंजीन रिंग के एडजेसेंट पोजिशन पर सी ओ और उसी सी ओ से जो सी है वो जुड़ता जाता है अगले चेन की तरफ और होल एंड कर देते हैं। तो इस प्रकार ये ग्रिप्टल बनता है एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड से। जो ये ग्लिप्टल है इसका गुण हम देखते हैं कि ये चूँकि क्रॉस लिंक्ड बहुलक होते हैं और ये कई सारे जो विलायक होते हैं उसमें विलेय होते हैं और कई बार ये एक कठोर नॉन फ्लेक्सिबल फिल्म इसमें शेष रह जाती है, ये वाष्पित हो सकते हैं आसानी से और इसी वजह से इसका उपयोग जो है वो पेंट में, वार्निश में और कई सारे बिल्डिंग सामग्रियों को बनाने में ग्लिप्टल का प्रयोग किया जाता है। अब हम पॉलीएमाइड श्रेणी के जो बहुलक है जिसे हमने पहले भी देखा है उसके कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं ये द्विक्षार की अम्ल यानी कि यहाँ पर डाईएमीन होता है या इससे कोई दूसरा रिलेटेड कोई अम्ल भी है तो उसके संघनन से ये प्राप्त होता है। तो हमने देखा नायलॉन 66 पहले ही कि अमेरिका के या इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट थे वो पहले ही इसके बारे में खोज कर रहे थे, सिल्क और ऊन के जो तंतु हैं उनकी संरचना के बारे में वो लगातार खोज कर रहे थे। इसी बीच उन्हें ये पता चला कि ऐसा भी बॉन्ड वाला कोई बहुलक है सी ओ एन एच प्रकार का, तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पॉलीएमाइड जो बहुलक है इनका संश्लेषण किया और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं देशों के नाम पर न्यूयॉर्क और लंदन, इन्हीं के नाम पर एन वाई और न्यूयॉर्क से एन वाई लिया गया और लंदन से एल ओ एन लिया गया और दोनों को मिक्स करके बना नायलॉन। तो नायलॉन 66 का जो निर्माण है उसके जो एकलक है मुख्य रूप से हेक्सा मेथिलीन डाइएमिन और एडिपिक एसिड, इसका संश्लेषण हम पहले ही देख चुके हैं कि इनके बहुलीकरण से बनता है नायलॉन 66 और दोनों में ही हम देख रहे हैं कि 6-6 कार्बन परमाणु प्रेजेंट है, यानी एथिलीन डाइएमिन जो है हेक्सा मेथिलीन डाइएमिन जो है इसमें 6 कार्बन है और जो यहाँ पर एडिपिक एसिड है उसमें भी हम देख रहे हैं कि 4 और 5 और ये 6, तो इस तरह से टोटल 6 कार्बन एडिपिक अम्ल में भी प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम नायलॉन 66 पड़ा। यहाँ हम मुख्य रूप से इसके कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। नायलॉन 66 जो बहुलक है इसका भी जो टेंसाइल सामर्थ्य है वो बहुत अधिक होता है, तनन सामर्थ्य, ये भी घर्षण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, मजबूत होते हैं और रासायनिक रूप से ये भी अक्रिय होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण इसका प्रयोग जो है बहुत जगह पर शीट्स वगैरह बनाने में, जो टूथपेस्ट के तंतु होते हैं उसको बनाने में, गलीचे बनाने में, रस्सियों को बनाने में और बहुत सारी जगहों पर जो वस्त्र उद्योग है वहाँ पर ऊन के साथ मिलाकर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऊन के साथ मिलाकर कई बार इससे स्वेटर भी बनाते हैं, बनियान वगैरह, मोजे, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं नायलॉन 66 के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे नायलॉन 6 जो है ये पेरलॉन एल भी कहलाता है और इसका जो एकलक है वो है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम का जो निर्माण है वह जो पेट्रोकेमिकल साइक्लोहेक्सेन होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में जो साइक्लोहेक्सेन है वो कैसे कैप्रोलेक्टम में परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो पहले ऑक्सीकृत होता है और परिवर्तित होता है साइक्लोहेक्सेनॉल में और साइक्लोहेक्सेनॉल फिर से ऑक्सीकृत होता है तो बनता है साइक्लोहेक्सेनोन। अब साइक्लोहेक्सेनोन का हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सीलेमीन यानी NH2OH से रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर भी H2O निकलेगा और बनता है यहाँ पर ऑक्सीम, जो साइक्लोहेक्सेनोन है उसका ऑक्सीम बनता है। इस साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सीम के बनने के बाद इसकी क्रिया H2SO4 से कराई जाती है तो जब H2SO4 से कराते हैं तो बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है और इस प्रकार से कैप्रोलेक्टम का निर्माण होता है जहाँ अपन देख रहे हैं कि कार्बन परमाणुओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है और ऊपर NH और इधर CO, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है कैप्रोलेक्टम का। अब ये जो कैप्रोलेक्टम है ये बार बार रिपीट होता है तो बनता है नायलॉन 6। यहाँ पर कैप्रोलेक्टम जब बहुलीकृत होते हैं 260 डिग्री सेंटीग्रेड और 270 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में
H2SO4 की उपस्थिति में। तो सबसे पहले बनता है पैरा एमिनो कैप्रोइक अम्ल NH2CH2O5 और COOH। तो ये जो पैरा एमिनो कैप्रोइक अम्ल बना है इसका लगातार फिर बहुलीकरण होता है, ऊष्मा की उपस्थिति में H2 अणु निकलता जाता है और बनता है नायलॉन 6। तो जब नायलॉन 6 बनता है तो NH CH2O5 CO और होल एंड कर देते हैं, तो यहाँ बनता है नायलॉन 6। ये जो कैप्रोलैक्टम है इसमें पैरा एमिनो कैप्रोइक एसिड जो बना है, और चूंकि इसमें हम देख रहे हैं कि 6 कार्बन परमाणु है तो इसलिए इसे भी हम नायलॉन 6 के रूप में जानते हैं। नायलॉन 6 का जो उपयोग है वह टायर बनाने में, कार्ड बनाने में और रस्सियों को बनाने में किया जाता है। अब हम नायलॉन 6 एवं नायलॉन 6 के मध्य अंतर देखेंगे। नायलॉन 6 का जो एकलक है वह है कैप्रोलैक्टम। इसे कैप्रोलैक्टम अणुओं के संघनन से बनाया जाता है, जबकि नायलॉन 6 जो बहुलक है इसे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एवं एडिपिक अम्ल के संघनन से बनाया जाता है। नायलॉन 6 में जो कैप्रोलैक्टम है इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है इसलिए इसे नायलॉन 6 कहा जाता है, जबकि एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन दोनों में ही 6-6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है अतः इसे नायलॉन 6 कहा जाता है। नायलॉन 6 का उपयोग शीट्स, ब्रश के तंतुओं में और इलास्टिक होजरी वगैरह बनाने में किया जाता है, जबकि नायलॉन 6 का उपयोग टायर, कार्ड, रस्सियां बनाने में होता है।